नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 7th की साइंस का पहला चैप्टर डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जान लीजिए। न्यूट्रिशन में क्या रहता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि भोजन को ग्रहण करना ऑर्गेनिज्म के द्वारा और इसका सही से यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल करना, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। पहला इस वीडियो में मैं आपको मेन मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा। ऐसा भी जैसे ये लिखा हुआ है, इन क्लास 6 यू लर्नड दैट, ऐसी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन मेन टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट का मतलब एक हिसाब से आप तत्व जान लीजिए। जैसे हम खाने में पांच चीज़ जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये पांचों चीज़ हमारे खाने का कंपोनेंट हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। पहला पैराग्राफ में यही बताया गया है। न्यूट्रिएंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। सभी जीव जंतु जो हैं उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल और ह्यूमन खुद नहीं बनाते हैं। अब देखिए जो बूझो लिखा हुआ है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये पूछ रहा है कि पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं। ये आगे टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो बूझो और पहेली रहता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट रहते हैं जो कि हमें सोचने चाहिए। आगे हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि कौन कौन से साधन हैं जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब आगे आगे आप जैसे मिलेगा उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पौधों को खाना अपना खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, ये इनको ज़रूरी चाहिए। आगे ये न्यूट्रिशन का मैंने बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे देमसेल्फ, देखिए इसमें बताया गया है कि जो खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफोस मतलब न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट मतलब बनाना। जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इसके अपोजिट में आ जाएगा कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको हेटरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक का उदाहरण है पौधे, पौधे अपना खुद खाना स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में जीव जंतु, जीव नहीं जंतु आ जाएंगे, क्योंकि जंतु जो है वो पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। हेट्रोस का मतलब ही होता है अधर। आगे देखिए पहली, वांट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। जैसे मैंने बताया था कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल की सहायता से अपना खाना बनाते हैं, वैसे पहेली पूछ रही है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से खाना क्यों नहीं बना सकते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे नीचे कमेंट में। अब चलिए आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या है। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो पत्ते रहते हैं वो फूड फैक्ट्री हैं पौधों का। यहाँ पे ही
सभी जो है खाना प्रिपेयर होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचता है और यहीं पे सारा खाना तैयार होता है इनका, पौधों का। अब चलिए आगे दे हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। ये फोटोसिंथेसिस एक बार यहाँ पे आप क्लियर देख लीजिए, देखिए इसी फिगर से आपको एकदम क्लियर देखिए। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का पदार्थ रहता है पत्तों में वो चाहिए, मिनरल वाटर और मिनरल चाहिए। अब देखिए वाटर और मिनरल जो है हमारा नीचे धरती से ऊपर पत्तों की तरफ आता है और जो सूरज की रोशनी है पत्तों पर पड़ती है और प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रहता है। इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से हमारा खाना प्रिपेयर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें रहती हैं, ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। ये आपको आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं कि ये क्या था। ये देखिए यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल की आवश्यकता पड़ती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने रहते हैं वो सेल के बने रहते हैं। इनको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रो सहायता से सेल को देखा जा सकता है। अब देखिए जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया बीच में, यहाँ पे ये हमारा सेल हो गया एक छोटा सा भाग, बीच में इसके न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस जो रहता है जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है, बीच में न्यूक्लियस रहता है और जो इसके साइड साइड में सेल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि झिल्ली रहती है जो प्रोटेक्ट करती है। साइटोप्लाज्म मतलब होता है, साइटो मतलब सेल होता है और प्लाज्म मतलब होता है जो लिक्विड, जो सेल में लिक्विड रहता है। ये आपको हायर क्लास में मिलेगा। ये सेल का आपको पता लग गया, सेल होता है कि जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म रहता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना रहता है। सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो सेल के आस पड़ोस की जो जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है उसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस वो रहता है जो बीज का स्ट्रक्चर रहता है और साइटोप्लाज्म होता है जो उसमें लिक्विड भरा रहता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये यहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फिगर से इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप लोग कि पहले एक पत्ता लिया गया और पत्ते में पत्ते का ये एक सेक्शन लिया गया, एक पार्ट यानी कि लिया गया। जैसे इस फिगर में पत्ता है, ए में बी में सेक्शन ऑफ लीफ लिया गया, तीसरे में स्टोमेटा है, स्टोमेटा दिखाया। स्टोमेटा के बारे में जानते हैं अब क्या होता है। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं या छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि यहाँ से CO2 लेते हैं और सूरज की रोशनी यहीं से जाती है और यहीं से खाना प्रिपेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टोमेटा का गार्ड सेल है और ये ओपनिंग स्टोमेटा है, यानी कि ये जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो खुल जाता है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए खाना बनाने के लिए अपना तैयार हो जाता है। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो ये बंद रहता है। यही इसमें दिखाया गया है कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आप सिंपली ये जान लीजिए छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जो कि पत्तों पर रहते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। अब देखिए वाटर और मिनरल कैसे, बूझो देखिए बूझो वांट टू हाउ वाटर एंड मिनरल अब्जोर्ब बाय रूट।
पूछ रहा है कि जो जड़ों से है वाटर और मिनरल कैसे नीचे लिया जाता है। तो इसके लिए वेसल होती हैं, देखिए लिखा हुआ है वेसल होती हैं, दे आर कॉल्ड वेसल। इस पैराग्राफ में, इस वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है वेसल लिखा हुआ है। अब देखिए वेसल, जैसे हमारे शरीर में खाना तो सिर्फ पेट में जाता है लेकिन एनर्जी पूरे शरीर में रहती है, वो कैसे होता है? क्योंकि खून हमारे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है और सारी एनर्जी पेट से लेकर सब सारे अंगों तक देता रहता है। उसी तरह पौधों में वेसल होती है, हमारे शरीर में भी वेसल रहती हैं, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, उसी तरह पौधों में भी वेसल रहती हैं। तो उन्हीं के जरिए नीचे से, रूट से, जड़ों से जो है पानी और मिनरल खींचा जाता है। अब 11th चैप्टर में लिखा हुआ है, चलिए अब देखते हैं। ये इसमें लिखा गया है, लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पौधों में ग्रीन रंग का, हरे रंग का पदार्थ रहता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या कैप्चर करता है और खाना बनाता है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में खाना बनाता है। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मिलकर खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस, आशा करता हूँ समय में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल तथा सूरज की रोशनी में पत्ते जब खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सूरज हमारे लिए एक बहुत आवश्यक साधन है। अगर सूर्य, लिखा हुआ है नीचे कि हम इसकी, सूरज के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई अर्थ पे कोई जीवन संभव होगा। आगे देखिए, पहेली में लिखा हुआ है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। इसमें पहेली पूछ रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पौधे ही सिर्फ खाना बनाएं और अदर पार्ट इसके कुछ कुछ नहीं बनाते हैं। ऐसा इसमें पूछा गया है कि सिर्फ पौधे ही खाना बनाते हैं कि और पार्ट भी पौधे के बनाते हैं, जैसे चढ़ा तना या जड़, वो भी खाना बनाते हैं कि नहीं, पहेली जानना चाह रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। बिसाइड लीव्स फोटो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजर्ट प्लांट हैव स्केल। ये यहाँ पे देखिए, डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस। जो मरुस्थल में पौधे रहते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उनके जो पत्तों के शेप रहते हैं कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जैसे इस प्रकार से, ताकि उनका वाटर लॉस कम हो, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मरुस्थल में पौधे तो रहते नहीं हैं, पौधे रहते हैं लेकिन उनमें पत्ते कम रहते हैं, तो उनमें खाना कैसे बनता है? वही लिखा है कि दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यानी कि हरी जो है, हरा तना रहता है, उन्हीं से फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे खाना बनता है। अब देखिए आगे, देखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल लीव्स। अब यहाँ पे यही फिगर बताया गया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, कि नीचे जो है जड़ों से पानी और मिनरल जाता है और सूरज की रोशनी पड़ती है इस पे, पत्ते पे क्लोरोफिल नामक पदार्थ रहता है जो कि सूरज की रोशनी को कैप्चर या ग्रहण करता है, उसी से हमारा
खाना बनता है, और खाना बनने के दौरान क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन पौधे रिलीज करते हैं जो कि हम सांस लेते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्लियर करवा दिया था कि लीव्स है उसका एक सेक्शन लिया गया, उसके बाद स्टोमेटा है जो पत्तों में छोटा सा छेद रहता है, इसी के माध्यम से खाना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ग्रहण करके खाना बनता है। आगे देखिए, बूझो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड वॉयलेट ब्राउन दे ही वेंट वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी। ये जैसे हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन या हरे पत्तों में ही होती है, तो बूझो चार जानना चाह रहा है कि लाल पीले हरे नीले में भी फोटो पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। चलिए आगे देखते हैं होती है कि नहीं होती है। देखिए अब यहाँ पे पत्ते हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल रहता है। यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है, देखिए ये जो है लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि द अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड पिगमेंट मास्क, जो ग्रीन पदार्थ अंदर रहता है और एक मास्क के रूप में जो लाल लाल ब्राउन और अदर पिगमेंट रहता है वो उसको ग्रीन कलर को ढक लेता है। मास्क मतलब ढकना ही हो गया है। फोटोसिंथेसिस प्लेस इन दिस टाइप ऑफ लीव्स आल्सो, इसमें फोटोसिंथेसिस इन पत्तों में भी होता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एल्गी के बारे में, एल्गी क्या होती है। अब एल्गी देखिए, यहाँ पे दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एल्गी क्या होती है गेस करिए आप लोग, जैसे बारिश हुई रहती है तो या पॉन्ड में या तालाब में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर हरे रंग का ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में काई काई भी कहते हैं, उसी को एल्गी कहा जाता है। वो भी अपना खाना कहाँ बना कैसे बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की मदद से ही अपना खाना बनाते हैं। एल्गी का क्लियर हो गया होगा आपको। एल्गी जो है वो पॉन्ड या तालाब में रहती है ऊपर ग्रीन रंग का, आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा, उसी को हम लोग एल्गी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सेकंड पैराग्राम में लिखा हुआ है यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। अब आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें जो कंटेंट रहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एस प्रोटीन और फैट, और इसमें प्रोटीन और फैट भी रहते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजस। अब देखिए शुरू से समझिए कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन और फैट भी बनते हैं साथ में। अब प्रोटीन और फैट, प्रोटीन बनता है तो उसमें नाइट्रोजन ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर जहाँ पे प्रोटीन रहेगा वहाँ पे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस रहेगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, जैसे कि इसी में बताया गया है नाइट्रोजन हमारे वातावरण में 71% रहती है, लेकिन वो हम पौधे जो है एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं। बारिश होती है, बारिश होने की वजह से नाइट्रोजन भूमि में चली जाती है, भूमि में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया की मदद से वो सॉइल में चली जाती है, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को बदलने के लिए, सॉइल के लिए उपजाऊ बनाने के लिए, यही इसमें लिखा हुआ है।
सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इंटू यूजिबल फॉर्म ऑफ एंड रिलीज इंटू सॉइल, यानी कि कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और सॉइल को उपजाने बनाने के लिए। दीज आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विद, फिर ये नाइट्रोजन अगर सॉइल में मिल जाती है तो उसके बाद वाटर की सहायता से चली जाती है, कहाँ पे मिनरल का रूप ले लेती है या उपजाऊ बना देती है मिट्टी को, उसी से खींचती है जड़ों की सहायता से। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर, अगर जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है तो वहाँ पे फर्टिलाइजर डाला जाता है, यही इसमें बताया गया है। नाइट्रोजन का आपको आशा करता हूँ समझ में आया है। जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहती है तो बारिश होती है, वो नाइट्रोजन भूमि में गिर जाती है और उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि उसको मिट्टी के लिए उपयोगी बनाने के लिए बदल देते हैं, और मिट्टी से फिर पौधा वो नाइट्रोजन अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अब आगे देखते हैं अदर मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे वो पौधे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं। डू यू सी येलो वायर ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड स्टेम ब्रांचेस, आपने कभी देखा है कि जो येलो कलर का, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये जो है इस तरह का देखा होगा फिगर जो है कि पीले रंग का जो है घेरा हुआ है इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं ये कौन से पौधे हैं। ये देखिए जो एक मेन पौधा है उसी से ये ब्रांचें लिपटी हुई हैं, यानी कि ये जो मेन पौधा खाना बना रहा है लेकिन जो ब्रांचें लिपटी हुई हैं वो इसी का खाना खा रही हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, यह हेटरोट्रॉफिक है क्योंकि ये जो ब्रांचिस हैं ये मेन वाले प्लांट पर निर्भर हैं, इसलिए इसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब इसी के बारे में दिखाया गया है, जैसे दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कटा, कैस्कटा लिखा हुआ है, अमरबेल है जो वो दूसरा जो प्लांट रहता है उसी पर निर्भर रहती है, और जिस प्लांट पर निर्भर रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक का मतलब आपको पता लग गया होगा कि जो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उनको हेटरोट्रॉफिक पौधे कहा जाता है, और होस्ट उसको कहा जाता है जिससे वो खाना अपना लेते हैं। अब देखिए आगे कैस्कट, यहाँ पे कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट, यानी कि कैस्कटा अमर बेल को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट एक इसकी टाइप है, कैस्कटा जो है अमर बेल इसका नाम है पौधे का जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। अब आगे यहाँ पे देखिए पहेली पूछ रही है, पहेली वांट टू नो वेदर मॉस्किटो बेड बग्स लाइस एंड लीचिस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट, ये पूछ रही है कि जो मच्छर और खटमल जुआ और ये लीची मतलब चीलर जो है ये हमारा खून पीते हैं तो ये भी पैरासाइट हैं। जी हाँ, ये भी पैरासाइट हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में दिखाया गया है, हैव यू सीन हेड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, कि वह पौधे जो एनिमल को भी खाते हैं, कभी आपने सुना है। जी हाँ, ऐसे पौधे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, इनको भी हम लोग हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे अपना खाना दूसरों पर निर्भर रहकर करते हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर से आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए ये पौधा है, पौधे में कुछ इस प्रकार का लिड
टोकरी जैसा बना रहता है। इस टोकरी में मान लो मान लो कोई इंसेक्ट अंदर गया, इसको फिर ये लीड ऊपर से गिर जाएगी और ये इसमें ट्रैप हो जाएगा। कोई इंसेक्ट जैसे चींटी वगैरह या चींटा हो गया बड़ा सा, या मक्खी कोई भी अंदर चली गई तो ये टोकरी अंदर से गिर जाएगी और इसमें अंदर कांटे रहते हैं। तो ये कांटे इसी के अंदर, उसको कांटों से ही अपना जो है वो खाना ले लेते हैं, उनका जो भी खून रहता है वो चूस लेते हैं तो अपना खाना बना लेते हैं। इन्हीं टाइप को इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर प्लांट कहते हैं। ये भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? ये इंसेक्ट पर, कीट पतंगों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इनको भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोर वोरस प्लांट जो हैं वो भी हेटरोट्रॉफिक हैं। देखिए लिखा हुआ था, इंसर्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर प्लांट। अब देखिए ये बूझो जो है कंफ्यूज हो गया है कि जो है ये हरे पौधे रहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तब ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? आपको अगर पता लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये क्यों खाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। आपने यहाँ से देखिए, यू हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्लोइंग इन मॉइस्ट सॉइल रूटिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे मशरूम देखा होगा कुछ इस प्रकार का रहता है, बरसात के दिनों में काफ़ी उग जाता है, बहुत से लोगों ने देखा होगा अपने आस पड़ोस में। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पैकेट ऑफ मशरूम, ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, यानी कि जो डिकेइंग मटेरियल पर ये उगता है, जैसे पत्ते सड़े रहते हैं तो उसी पे उग जाता है, या कोई और खरपतवार रहता है खेत में तो वहाँ पे भी गंदा डिकेइंग मटेरियल रहता है वहाँ पे ये उगता है। अब इसको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कैसे देखेंगे, एक्टिविटी 1.2 में देखिए, टेक पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। इसको एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको भिगो दीजिए और 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। आगे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व पैचिस अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। मशरूम का पता लग गया होगा कि ये डिकेइंग मैटर पर उगते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फंगी क्या होती है। जैसे आपने ब्रेड लिया, ब्रेड का टुकड़ा, उसको भिगो दिया तो, या उसमें मॉइस्चर रहता है तो कुछ वाइट वाइट सा लग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। फंगी समझ में आ गया होगा। जैसे बरसात के सीज़न में कपड़ा भीगा रहता है, उसको इकट्ठा करके अगर रख दो तो उस पर भी वाइट वाइट हो जाता है, उसको फंगी कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पे जैसे चमड़े का जूता रहता है उस पर भी ये वाइट वाइट सा हो जाता है, उसको ही फंगी कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर पर निर्भर रहते हैं वो उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे जो निर्भर रहते हैं जीव जंतु या इनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। यानी कि जो डिकेइंग और डेड मैटर पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं।
फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स लेदर क्लोथ एंड अदर आर्टिकल, जहाँ जैसे बरसात के दिनों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है फंगी जो है। वर्षा के दिनों में आपने देखा होगा कि जूतों पर भी फंगी काफ़ी लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर पहेली टोल्ड हिम, दूसरा देखिए पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट मशरूम आर यूज़फुल, कुछ हमारे लिए जो ईस्ट मशरूम हैं वो यूज़फुल रहते हैं, बट सम फंगी कॉज डिसीज़ इन प्लांट एनिमल, और कुछ फंगी हमारे लिए बीमारी भी पैदा करते हैं, और सम कुछ फंगी से हमारे लिए दवाई भी बनती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए जैसे इस पैराग्राफ में था, यहाँ पे फंगल स्पोरा जनरली प्रेजेंट इन एयर देन दे आर लैंड ऑन दे आर, ये थोड़ा रुक जाइए, ये काफ़ी पीछे चला गया है पेज, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फंगी का आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि वैसे ही देख लीजिए, जो फंगी रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है, जब ये जहाँ पे इसको नमी मिलती है वो यहीं पे इकट्ठी हो जाती है, यही इसमें लिखा गया है, और वहीं पे ग्रो करने लगती है, यही इसमें लिखा गया है। देखिए यहाँ पे था सेप्रोट्रोफ हो गया था हमारा, एक बार फिर से देख लीजिए, यहीं पे पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट मशरूम आर यूज़फुल, कुछ फंगी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं, कुछ नुकसानदायक रहती हैं। अब यहाँ पे लिखा है वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वातावरण में ये प्रेजेंट रहती हैं, गीली जगह देखती हैं और ये जर्मिनेट होने लगती हैं और ग्रो होने लगती हैं। अब यहाँ पे देखिए सिम्बोसिस क्या है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ ही जीते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट एक साथ ही रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, सिम्बोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंगी हैं जो वो पौधों की जड़ों में रहती हैं, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस, प्लांट है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को, इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, जो फंगस है उसको, देखिए यहाँ पे सिम्बोसिस किसको कहा जाएगा, दो जो मिलकर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे इसके इसमें पौधे का उदाहरण दिया गया है, पौधों की जड़ों में फंगस रहते हैं और बदले में फंगस उनको क्या देता है, मिनरल देता है और वाटर देता है, और फंगस जो है वो पौधे से ही न्यूट्रिएंट लेता है। अब आगे देखिए लीचेंस क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड फंगस लाइव टुगेदर, अब इन इसमें सिम्बोसिस में था कि फंगी और प्लांट था, अब लीचेंस किसको कहते हैं वो जान लीजिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर यानी कि पौधा इसमें भी रहेगा, एल्गी और फंगस लाइव इसमें तीनों ही रहेंगे, एल्गी जो है क्लोरोफिल रहता है और फंगस यानी कि एल्गी और फंगस जो है कम्बिनेशन करके रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको लीचेंस कहते हैं। इसी की तरह सिम्बोसिस की तरह ये भी अपना एक दूसरे पर निर्भर रहकर काम चलाते हैं।
अब चलिए आगे देखते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि कैसे जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट पौधे लेते हैं या कैसे पनपते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि मिट्टी के लिए एनपीके चाहिए, एन मतलब नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के जो है पोटेशियम। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये जो है नाइट्रोजन एन पी और के चाहिए। अगर मिट्टी की उपजाऊ रहेगी तो उसमें एनपीके ज़रूर उपस्थित रहेगा, जब उपजाऊ नहीं रहेगी तो उसमें यानी कि नाइट्रोजन की कमी रहती है या कुछ ना कुछ कम रहता है, तो वहाँ पे फसल नहीं उगती है। अब ये नाइट्रोजन लेते कहाँ से हैं, डायरेक्टली नहीं लेते, जैसे मैंने बताया था कि ये लोग जब बारिश होती है तो वो नाइट्रोजन नीचे आती है मिट्टी पर, मिट्टी से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट यूजली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल जो है वो काफ़ी नाइट्रोजन खींच लेती है तो सॉइल हमारी सॉइल में कम नाइट्रोजन बचती है, तो एयर प्लांट कैन नॉट यूज मैनर, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड सोलबल फॉर्म। अब देखिए इसमें मेन ये है कि जो मैंने बताया था पहले कि आपको कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए उपयोगी है, नाइट्रोजन को सॉइल के लिए उपजाऊ बनाता है, वो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, राइजोबियम, ये है बैक्टीरिया जो ज़रूरी है, ये बदलता है नाइट्रोजन को सॉइल को इस्तेमाल करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, ये तो कीवर्ड आ गया है, इसमें कीवर्ड है, अब देखिए इसमें क्या क्या है, कीवर्ड में पहले ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। सेकंड नंबर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो हरे रंग का पदार्थ पत्तों में रहता है, जिसकी वजह से पत्ते हरे दिखाई देते हैं, वो क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल की सहायता से ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पौधों का खाना बनता है। हेटरोट्रोफ वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। होस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि ये पेड़ रहता है, ये पेड़ रहता है जो इसको होस्ट पेड़ कहेंगे, होस्ट ट्री कहेंगे या प्लांट कहेंगे, जो इस पे ऐसे घुमावदार जैसे अमेर बेल का मैंने उदाहरण दिया था, वो जो हैं वो इस पर निर्भर हैं, तो ये जो मेन है इसको होस्ट प्लांट कहते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और जो ये इसके ऊपर डिपेंड है जो लिपटी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट, यहाँ ठीक है पैरासाइट कहते हैं, देख लीजिएगा पैरासाइट। और इंसेक्टिवोरस वो हैं जो वो प्लांट हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं या इंसेक्ट पर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है तत्व, जैसे ह्यूमन के लिए तत्व मुख्य क्या रहते हैं, कार्बन कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और जो रहते हैं पांच जो रहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन तथा मिनरल, ये हमारे न्यूट्रिएंट हैं। और न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि
खाने को हमने अंदर ग्रहण किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि खाना अंदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किया गया उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट बता ही दिया है मैंने कि पैरासाइट वो है जो अमरबेल का उदाहरण, जो होस्ट पेड़ पर निर्भर रहता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, पानी और मिनरल क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब पौधे खाना बनाते हैं तो उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेप्रोट्रोफ क्या होता है बताइए, किसी को याद हो तो? सेप्रोट्रोफ क्या होता है? किसी को नहीं याद? सेप्रोट्रोफ वो होता है जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर का इस्तेमाल कहते हैं, उसको सेप्रोट्रोफ कहते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो जीव या जंतु डिकेइंग और डेड मैटर पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको सेप्रोट्रोफ कहते हैं, और सेप्रोट्रोफिक भी यही है। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा पत्ते की सतह पर छोटा सा छिद्र रहता है, उसी की सहायता से गैसों का एक्सचेंज होता है और खाना भी इसी की सहायता से, सूरज की रोशनी भी इसी पर पड़ती है। अब आगे मेन मेन पॉइंट के बारे में देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइजेशन इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर। सभी ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस और शरीर को संतुलित करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ऑटोट्रोफ भी इसी को कहते हैं। प्लांट लाइक कैस्कटा आर पैरासाइट। कैस्कटा अमरबेल जो है वो पैरासाइट है। दे टेक फूड फ्रॉम अदर होस्ट प्लांट, ये दूसरे पौधे से अपना खाना लेते हैं। चौथा, प्लांट आर यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल फॉल। प्लांट क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल अपना खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग का पत्ता जो है, यह पदार्थ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, ये है ज़रूरी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए। आगे देखिए, कम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसमें बताया गया है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ऑक्सीजन निकलती है जैसा कि मैंने बताया था, CO2 पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमारे लिए। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, वही इसमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वही बताया गया है। मैनी फंगी ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ। जो कुछ फंगी रहती हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं? डेड और डिकेइंग मैटर से, उसी को हम लोग सेप्रोट्रोफ कहते हैं। फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रोफ। यानी कि कुछ, इसमें बताया गया है, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, कुछ पौधे और सभी जानवर जो हैं डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर, इनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफ कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिए, एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।